डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल फेज़ ट्रांजिशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम बात ये करेंगे कि अगर एक क्रिस्टल हमारे पास है तो फिर क्या हम उसको दूसरे क्रिस्टल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और उसके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर या फिर प्रेशर। क्योंकि अगर किसी भी क्रिस्टल में टेम्परेचर या प्रेशर को वेरी कर दिया जाता है तो फिर क्रिस्टल जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर, ये एक क्रिस्टल है मान लीजिए हमारे पास, इसका हमने टेम्परेचर या फिर प्रेशर बदल दिया तो फिर हम इसको दूसरे फॉर्म में आसानी से बदल सकते हैं। ठीक, और दूसरी बात ये कि जो स्टेबल स्ट्रक्चर है, मान लीजिए एक स्टेबल स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है ए, तो अगर स्टेबल स्ट्रक्चर ए है तो एब्सोल्यूट ज़ीरो में इसकी इंटरनल एनर्जी सबसे कम होगी, तभी हम कहेंगे कि ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका स्टेबिलिटी होने के लिए इसको क्या कंडीशन चाहिए कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो काफ़ी कम होनी चाहिए। अच्छा, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी क्रिस्टल के ऊपर, तो जब हमने इस क्रिस्टल के ऊपर प्रेशर को अप्लाई कर दिया तो इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, और कम हो जाने की वजह से ये क्लोज पैक हो जाएगा। तो क्लोज पैक जब ये होगा तो फिर ये मेटालिक स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन जो है आपका, हाइड्रोजन, ज़ेनॉन, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में मेटालिक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी क्रिस्टल का टेम्परेचर या प्रेशर वेरी करते हैं तो उस क्रिस्टल को एक से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। और अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर ए है तो उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि इंटरनल एनर्जी उसकी कम होगी तब वो स्टेबल होगा। ठीक है, और प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है कि जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जैसे हाइड्रोजन या ज़ेनॉन। अब हम बात करते हैं दूसरे तरह के एक स्ट्रक्चर की। दूसरे तरह के स्ट्रक्चर की जो हम बात कर रहे हैं वो है, मान लीजिए स्ट्रक्चर बी हम कह रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर बी में ये जैसे आपके पास अगर बी एक और दूसरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर बी के पास सॉफ्ट या लो फ्रीक्वेंसी फोनॉन स्पेक्ट्रम होगा ए के कंपैरिजन में। ठीक है, इसका जो फोनॉन स्पेक्ट्रम है वो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा या लो फ्रीक्वेंसी का होगा। लो फ्रीक्वेंसी फोनॉन यानी हम ये जानते हैं कि जिसको हम एकॉस्टिक कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है क्योंकि यहाँ पे जो एटम्स रहते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड में रहते हैं, तो यहाँ पे एकॉस्टिक वाले की फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो इस दूसरे स्ट्रक्चर को हमने कैसे डिफाइन करने की कोशिश की है, हम ये कह रहे हैं कि इसका जो इसके पास लो फ्रीक्वेंसी फोनॉन स्पेक्ट्रम होगा एज़ कम्पेयर टू ए। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर वेरी करके देखते हैं। तो जब टेम्परेचर हम वेरी करेंगे या बढ़ाएंगे तो बी के अंदर जो फोनॉन्स हैं वो एक्साइट हो जाएंगे। तो फोनॉन्स एक्साइट होने की वजह से क्या हो जाएगा, ए के कंपैरिजन में ये एक्साइट हो गए तो एंट्रोपी जो है वो बढ़ती है। हमको ये पता है कि जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डरनेस बढ़ता है। तो जब एक एटम एक्साइट हो गया तो फिर डिसऑर्डरनेस उस क्रिस्टल के अंदर बढ़ गई। ठीक है, तो एंट्रोपी के बढ़ने से एंट्रोपी जो है बी की वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ए, क्योंकि बी में क्या हुआ है, एक्साइट हुआ है एक एटम, इस वजह से टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से बी में एटम एक्साइट, फोनॉन एक्साइट हो गया है, फोनॉन एक्साइट होने की वजह से इसकी जो एंट्रोपी है वो बदल गई है, और एंट्रोपी जो है इसकी वो ज़्यादा हो गई है एज़ कम्पेयर टू ए के। ठीक है, तो जो दूसरा ये स्ट्रक्चर है बी की हमने बात करी, इसका कुछ इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि इसलिए पॉसिबल है कि एक स्टेबल स्ट्रक्चर को ए से बी में हम बदल सकते हैं अगर हम उसका टेम्परेचर जो है उसको बढ़ा देते हैं।
ठीक है, पहले हमने एक स्ट्रक्चर लिया था, उसका इंटरनल एनर्जी कम होता था स्टेबिलिटी मेंटेन करने की वजह से। दूसरा हमने लिया था बी, उसमें लो फोनॉन स्पेक्ट्रम था आपका, लो फ्रिक्वेंसी फोनॉन का स्पेक्ट्रम था। और पहले वाले स्ट्रक्चर में हमने कहा कि प्रेशर अगर अप्लाई करेंगे तो वो मेटालिक बन जाएगा। दूसरे वाले स्ट्रक्चर की हमने बात करी तो हमने टेम्परेचर को वेरी करके देखा, ठीक है, तो एंट्रोपी उसकी जो है वो एक के कंपैरिजन में बढ़ गई। मतलब चेंज आ रहा है, दोनों का कंपैरिजन हम टेम्परेचर और प्रेशर की मदद से कर सक रहे हैं। तो जो अब हम ये बात करेंगे कि एक को, इसका मतलब हम टेम्परेचर प्रेशर को वेरी करके बदल के एक को दूसरे में बदल सकते हैं, एक को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं दूसरे में, ठीक है। तो जो स्टेबल स्ट्रक्चर है किसी टेम्परेचर टी में, जो स्टेबल स्ट्रक्चर है उसको डिटरमाइन हम कर सकते हैं फ्री मिनिमम फ्री एनर्जी की मदद से, एफ इज इक्वल्स टू यू माइनस टी एस। तो यू आपका है इंटरनल एनर्जी यानी टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, आप टेम्परेचर बदलते हो ये वैल्यू बदलती है। माइनस टी आपका है टेम्परेचर, एस जो है वो एंट्रोपी है, ठीक है। तो ट्रांजिशन ए से बी में होगा अगर टेम्परेचर टी सी एग्जिस्ट कर रहा है बिलो मेल्टिंग पॉइंट, और इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है कि जो फ्री एनर्जी है ए वाले स्ट्रक्चर की वो बी वाले स्ट्रक्चर के बराबर है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो की। एब्सोल्यूट जीरो में क्या होगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की सेम एनर्जी होगी, जाहिर सी बात है कोई एक्साइट नहीं होगा, एटम फोनॉन कुछ भी एक्साइट नहीं हो पाएगा, तो स्ट्रक्चर्स की एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। फोनॉन डिस्पर्शन रिलेशन बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के लिए अलग अलग होता है। जो फोनॉन एनर्जी होती है वो किससे सेंसिटिव होती है, किस पर डिपेंड करती है, नंबर और अरेंजमेंट, अपने आसपास के एटम्स के नंबर और अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। और ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये बदलती है जैसे जैसे स्ट्रक्चर आपका बदलता है। तो जो स्ट्रक्चरल फेज ट्रांजिशन की हम बात करते हैं उनका बहुत छोटा सा इफ़ेक्ट होता है मटेरियल की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे, जबकि अगर ट्रांजिशन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है बाहर से हमारे स्ट्रेस लगाने पे, तो जो क्रिस्टल है आपका वो यील्ड करेगा मैकेनिकली ट्रांजिशन टेम्परेचर के पास, क्योंकि जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है दोनों फेज में वो बदल जाएगा स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि हम एक स्ट्रक्चर को दूसरे में बदल सकते हैं अगर हम कुछ फैक्टर्स उसका बदलते हैं, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।